हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का डे 20 और स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप सेट से। आप जैसा जानते हैं कि वार्म अप सेट में मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ लेग को टारगेट करने के लिए, क्योंकि लेग मेरी वीक मसल है, तो स्क्वाट्स कर रहा हूँ, वेटेड स्क्वाट्स। दूसरा मैं टारगेट करता हूँ अपना चेस्ट या शोल्डर को, तो लाइक पुशअप्स करके डिफरेंट वेरिएशन डेली, तो मैं ये शोल्डर पुशअप कर रहा हूँ आज। और तीसरा वेरिएशन रहता है मेरा बैक के लिए या शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लैट पुल डाउन प्लेट लोडेड। दोस्तों, कल है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वीक 3rd एंड हो रहा है, तो मैं अपनी कंडीशन चेक करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि हर एक वीक के एंड में मैं अपनी कंडीशन चेक करता हूँ कि कितनी प्रोग्रेस मैंने की है, तो वो मेजर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं अपना टारगेट मसल शोल्डर को टारगेट करते हुए पहला वेरिएशन डंबल शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस भी कहते हैं इसको। यह है दूसरा वेरिएशन आर्नोल्ड प्रेस। जो भी एक्सरसाइज करे आप, मूवमेंट उसका पूरा रखे, भले ही आप कम वेट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे प्रोग्रेस करें। यह है शोल्डर के लिए तीसरा वेरिएशन ये है चौथा वेरिएशन फ्रंट रेस। तो फ्रंट रेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने हैमर की तरह इसको डंबल को यूज़ कर रहा हूँ, तो हैमर रेस है ये। इसको आप हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट वेरिएशन आज का बारबल अपराइट रो। इसमें बारबल जो है 20 kg की ऑलरेडी है, इसलिए मैंने अभी वेट नहीं लगाया है। अब जैसे नेक्स्ट सेट्स करूँगा वेट में इंक्रीज करता रहूँगा। ये है नेक्स्ट वेरिएशन रियल डेल्टोइड्स। लास्ट में मैं करूँगा श्रग्स। तो श्रग्स आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये मैं स्मिथ मशीन का यूज़ करके कर रहा हूँ श्रग्स, आप जो है डंबल से भी कर सकते हैं। तो आज का मेरा कंप्लीट हो गया वर्कआउट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी आप लोगों की जैसे ऑफिस की पार्टीज होती है या सोशल गैदरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड होता है, तो वो खा के आप अपना वेट लाइक थोड़ा सा गेन कर लेते हैं, तो आपकी मेहनत जो आप कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है। आप उतना ज़्यादा एफर्ट्स अपना वेस्ट मत करें, आप जो है स्मार्टली एक्ट करें कि पार्टी में जाके चूज़ करें आपको क्या खाना है, कि आप मेनली फोकस करें कैलोरी जिसमें कम है वो खाए और जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो वो ले। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप इंजॉय करना चाहते पार्टी, तो आप इंजॉय करें अपनी पार्टी, जो भी खाना है खाए। बट जो है सेकेंड मील जो आप ले रहे हैं, सपोज़ आप लंच कर रहे हैं या तो आप डिनर स्किप कर दें, या अगर डिनर कर रहे हैं तो लंच या ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, तो उससे ये होगा कि टोटल कैलोरीज जितना आपको लेना है दिन भर में आप उतनी ही ले रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज आप नहीं ले रहे। इससे क्या होगा कि आप अपना एफर्ट वेस्ट नहीं कर रहे। सपोज़ अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, उससे आप उस दिन 300-400 ग्राम वेट इंक्रीज कर लेंगे और इसको रिड्यूस करने में आपको नेक्स्ट 2 दिन लगेंगे, तो आपका टोटल 3 डेज का एफर्ट वेस्ट हो रहा है। तो आप अपना एफर्ट और टाइम वेस्ट करने से बचें और ये ट्रिक अपनाएं।